जेएनआरएल स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेट कर्व, इसको इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करूंगी आपको। और जस्ट इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के जस्ट पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स है उनको एक्सप्लेन करते हुए इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है क्लोज कर्व, तो पहले हम देखते हैं क्लोज कर्व क्या होता है। अगर कोई कर्व हम ड्रॉ करने जा रहे हैं तो कोई भी कर्व पॉइंट से स्टार्ट होगा, तो एक सिंपल सा वन पॉइंट ले लिया और यहाँ से कोई कर्व स्टार्ट करते बनाना और इसको आगे यहीं पे ज्वाइन कर देते हैं। इट इज दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड सिंपल क्लोज कर्व, इसको हम कहेंगे सिंपल क्लोज कर्व। अब आती है बात, अगर ये सिंपल क्लोज कर्व है तो कुछ ऐसे कर्व भी होंगे जो सिंपल क्लोज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे हम स्टार बना रहे हैं, सारे बच्चे स्टार बनाते हैं, ये हमने यही इसी पॉइंट से स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पे आ गए। जब वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट पे फिर से आ रहे हैं, यानी कि वो क्लोज है, इट इज ऑल्सो क्लोज कर्व बट इट इज नॉट सिंपल। ये सिंपल क्यों नहीं है, इट इज ए क्लोज्ड कर्व बट इट इज नॉट सिंपल। ये क्लोज कर्व है पर सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि ये फिगर अपने आप को कई पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये खुद का फिगर ही कई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, क्लोज है पर ये सिंपल फिगर क्लोज कर्व नहीं है। अब नेक्स्ट होता है व्हाट इज पॉलीगन। नेक्स्ट जो हमारा बेसिक टर्म है, पॉलीगन क्या होते हैं। पॉलीगन के बारे में हम ये बताएं कि पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर, पॉलीगन एक क्लोज फिगर है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, मेड अप बाय लाइन सेगमेंट्स। तो हम कोई भी एक क्लोज कर्व ले लें और आपको पता है क्लोज कर्व, क्लोज पॉलीगन, क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स की जरूरत होती है। अगर 2 लाइन सेगमेंट ले लें तो कोई भी क्लोज फिगर हमारा नहीं बनेगा, जब तक कि हम मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट हमें चाहिए होती है क्लोज कर्व बनाने के लिए। एबीसी अगर ट्राइंगल ले लें तो इट इज ए पॉलीगन बिकॉज इट इज मेड अप बाय 3 लाइन सेगमेंट। और पॉलीगन की यही डेफिनेशन है कि पॉलीगन इज ए क्लोज फिगर विच इज मेड अप बाय लाइन सेगमेंट, केवल लाइन सेगमेंट से बना फिगर ही हमारा क्लोज फिगर जो होता है वही हमारा पॉलीगन होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है ट्राइंगल, स्क्वायर इज ऑल्सो ए पॉलीगन, अगर स्क्वायर ले ले तो वो भी हमारा पॉलीगन हो जाएगा। पेंटागन, हेक्सागन, जैसे जैसे साइड्स बढ़ते जाएंगे मगर सारे ही लाइन सेगमेंट से बने होने चाहिए और सारे ही क्लोज होने चाहिए। तो हम ऐसे क्लोज फिगर मेड अप बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। अब बात आती है डायगोनल्स की, तो अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लें और ऐसे क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल इज ए टाइप ऑफ पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल एक टाइप का पॉलीगन है जो कि कितनी लाइन सेगमेंट से बना होता है, जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो क्वाड्रिलेटरल जो हम चैप्टर की पढ़ने जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पॉलीगन विच इज मेड अप बाय 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट से बना क्लोज फिगर ही हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के केस में हम डायगोनल्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, जैसे ए और सी दोनों अपोजिट वर्टिसेस हैं, इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ही क्या होगा, डायगोनल। बी और डी भी अपोजिट वर्टिसेस हैं, इनको भी ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट हमारा होगा डायगोनल। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के केस में 2 डायगोनल्स, यहाँ पे डायगोनल्स, 2 डायगोनल्स मिल रहे हैं क्वाड्रिलेटरल के केस में। तो एक डायगोनल हमारा एसी हो गया और दूसरा बीडी हो गया, 2 डायगोनल्स यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये होता है डायगोनल, डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट विच इज ज्वाइन विच ज्वाइन अपोजिट वर्टिसेस, जो कि अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, वो एक लाइन सेगमेंट होता है। देन आ रहा है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। अब आपको बताएंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन क्या होते हैं, वो भी हम एक एग्जाम्पल आपको ड्रॉ करेंगे फिगर उसके तो बताएंगे। तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स के लिए हमने एक पेंटागन ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी ई।
इट इज ए पॉलीगन, ये भी एक टाइप का पॉलीगन है क्योंकि ये भी लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो गया है। ए ही लाइन सेगमेंट है, ई ही है, फिर डी सी है, सी बी है और ए बी है, ये सारे फाइव लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, इसलिए इसको कहते हैं पेंटागन। तो इट इज ऑल्सो ए पॉलीगन। एक दूसरा फिगर हम ले लें, जैसे वो भी फाइव लाइन सेगमेंट से बना मिलके बना है, इसको भी हम पॉलीगन ही कहेंगे। यहां भी हम ले लें ए बी सी डी और ई, ये दोनों ही फिगर पॉलीगन है। बोथ आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीगन्स, दोनों ही फिगर पॉलीगन्स के हैं, मगर इस पॉलीगन को हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन और इस पॉलीगन को कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। इट इज कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड इट इज कॉनकेव पॉलीगन। क्यों ये कॉन्वेक्स है और क्यों वो कॉनकेव है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये हम क्लियर करते हैं। यहां पे कॉन्वेक्स पॉलीगन में ये क्या है, एक टाइप का पॉलीगन है जो कि जिसमें सारे इंटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट लेस देन 180 होता है। यानी कोई भी अगर एंगल ले ले, इसके इंटीरियर एंगल्स में से कोई भी एंगल ले ले, ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले, डी ले ले या ई ले ले, सारे एंगल्स का मेजर क्या होगा, 180 से लेस होगा। मगर यहाँ पे हम देखें कॉनकेव वाले में ये भी एक क्लोज्ड फिगर है और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो ये भी एक पॉलीगन है। मगर ये कॉनकेव क्यों है, कॉनकेव इसलिए कि सारे इसमें देखो सारे एंगल से 90 है, ये एक्यूट है, लेस देन 90 है। मगर ये वाला अगर हम एंगल देखें तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। रिफ्लेक्स एंगल मीन्स मोर देन, इसकी जो मेजरमेंट है वो मोर देन एटलीस्ट वन एंगल एंगल मोर देन 180। एक एंगल का मेजरमेंट 180 से ज्यादा होना चाहिए, केवल कम से कम एक से ज्यादा भी ऐसे हो सकते हैं एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जिनका मेजरमेंट 180 से ज्यादा हो, मगर यहाँ पे एटलीस्ट वन के बारे में कहा जा रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल मोर देन 180 हो, यानी कि कौन रिफ्लेक्स एंगल होना चाहिए, कम से कम एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या है, एटलीस्ट वन एंगल रिफ्लेक्स एंगल होना चाहिए, इसमें ऑल एंगल्स लेस देन 180 होने चाहिए। तो ये डिफरेंस था कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन का डिफरेंस। अब नेक्स्ट हमारा होता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। अब हम इसमें से कोई भी रेगुलर और इरेगुलर को ड्रॉ करके देखते हैं आपको कि कैसे क्या डिफरेंस है रेगुलर एंड इरेगुलर। अगर हम रेगुलर के लिए एक ले लें स्क्वायर, एबीसीडी इज द स्क्वायर एंड इट इज एबीसी इज ए स्केलन ट्राइंगल, इन स्केलन ट्राइंगल ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ये इसका मेजर अलग है, इसका मेजरमेंट अलग है, इसका मेजरमेंट अलग है। इन दिस ट्राइंगल ऑल साइड्स आर हैविंग डिफरेंट लेंथ, सबकी लेंथ डिफरेंट, मगर इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती है, तो ये हमारा हो गया रेगुलर पॉलीगन। ये भी दोनों ही हमारे पॉलीगन है, मगर ये हो गया रेगुलर पॉलीगन और ये हमारा हो गया इरेगुलर पॉलीगन। तो ये डिफरेंस था रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन में कि रेगुलर पॉलीगन में सारी जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए और इरेगुलर पॉलीगन में लेंथ इक्वल नहीं होगी, सारी लेंथ सारी साइड्स की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होगी, उनका मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन द केस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के केस में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180, यानी कि ए बी सी अगर कोई ट्राइंगल है तो सारे थ्री इंटीरियर एंगल्स यहाँ बन रहे हैं, तो तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होगा वो 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं, ये तो ट्राइंगल के केस में हो गया कि ट्राइंगल हमारा जो है वो भी एक पॉलीगन है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है 180 के इक्वल होता है। अब
आप पॉलीटन के केस में देख लें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन मीन्स हम जनरल पॉलीगन की बात कर रहे हैं, यानी कि ना हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं ना हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, जनरल वे में कि पॉलीगन के केस में इंटीरियर एंगल्स का सम कितने के इक्वल होगा। तो हमने जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया ट्राइंगल का, देन हम एक क्वाड्रिलेटरल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अब हमने इसको टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया, डायगोनल बीच में ड्रॉ कर दिया, तो ये टू ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। अब अगर हम इसको वन ले लें एंगल, ये टू है, ये हमारा थ्री हो गया, ये फोर है, ये फाइव हो गया और ये सिक्स हो गया। ये हमने एंगल्स ले लिए क्योंकि हमें नहीं पता था, तो हमने वन टू थ्री फोर, आपको सिक्स एंगल ले लिए क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल को हमने टू ट्राइंगल में डिवाइड किया और ईच ट्राइंगल में थ्री थ्री एंगल्स होते हैं, तो सिक्स तक कर लिया हमने। अब हम इस केस में एंगल सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कर लें। तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंगल वन प्लस एंगल बी क्या हो जाएगा, टू और थ्री को ऐड करने से टू प्लस एंगल थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, ये हमारा डी हो जाएगा फाइव प्लस सिक्स। अब हम ये देखें कि ये किससे इक्वल होगा, हमारा वन प्लस टू प्लस थ्री, यहाँ पे जैसा कि हमने एंगल सम प्रॉपर्टी देखी है उसमें 180 के इक्वल होता था, तो इन तीनों का ही सम हमारा 180 के इक्वल है। फिर नेक्स्ट देखो, ये सेकेंड हमारा ट्राइंगल है, उसका भी सम ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 प्लस 180 ये क्या हो जाएगा, टू टाइम्स 180 हो जाएगा। तो टू टाइम्स 180 इक्वल टू क्या होता है, 360। यानी क्वाड्रिलेटरल के केस में इंटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है, यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया। अब इसी तरह पेंटागन है, हेक्सागन है, जैसे जैसे हम जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे थ्री साइड्स थे, यहाँ फोर साइड है, फिर फाइव साइड होंगे, सिक्स साइड होंगे, जैसे जैसे साइड बढ़ते जाएंगे उसका जो एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू एन माइनस टू इंटू 180 हो जाएगा। और इसको हम चेक करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे थ्री साइड्स थी और जो एन है वो नंबर ऑफ साइड्स को शो कर रहा है, वेयर एन डिनोट नंबर ऑफ साइड्स, यानी किसी पर्टिकुलर पॉलीगन में कितनी साइड है उसको ये एन डिनोट कर रहा है। तो एन की वैल्यू अगर थ्री रखते हैं तो थ्री माइनस टू वन हो जाएगा, तो वन इंटू 180 इसका हो जाएगा। फिर क्वाड्रिलेटरल को चलते हैं तो यहाँ पे फोर साइड है, फोर माइनस टू टू हो जाएगा, टू इंटू 180 हमारा 360 एंगल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम चेक करके देख सकते हैं कि फॉर्मूला हर पॉलीगन के लिए वर्क कर रहा है। तो ये फॉर्मूला था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, यानी कि इंटीरियर एंगल्स का सम, पॉलीगन के केस में इंटीरियर एंगल्स का सम निकालने का ये जनरल फॉर्मूला हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।